खेल का हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। शारीरिक स्वास्थ्य से लेकर मानसिक स्वास्थ्य एवं आपसी सौहार्द बनाए रखने में खेल का हमारे जीवन में महत्वपूर्ण योगदान है। आपने यह कथन अवश्य सुना होगा कि ए साउंड माइंड लिव्स इन ए साउंड बॉडी। जब तक हमारा शरीर स्वस्थ नहीं है तो कोई भी काम ठीक तरह से नहीं कर सकते। शरीर को स्वस्थ और फुर्तीला बनाए रखने के लिए खेल बहुत आवश्यक है। इसी कड़ी में दिनांक 24/12/2021 से 26/12/2021 तक ग्रुप केंद्र मुजफ्फरपुर में श्री बी एस जून कमांडेंट ग्रुप केंद्र मुजफ्फरपुर की अध्यक्षता में अंतर ग्रुप केंद्र बटालियन परिचालन वॉलीबॉल प्रतियोगिता 2021 का आयोजन किया गया, जिसमें राजपत्रित अधिकारीगण, अधीनस्थ अधिकारीगण व अन्य सैनिकों ने भाग लिया। एमडी अनाजलम, कांस्टेबल जीडी संजीव कुमार रॉय, कांस्टेबल जीडी नवीन सैनी, कांस्टेबल जीडी कमल किशोर। प्रतियोगिता ग्रुप में केंद्र मुकामा घाट, ग्रुप केंद्र मुजफ्फरपुर 47-159-205, कोबरा 215 बटालियन के प्रतिभागियों में प्रतियोगिता में प्रतिभागी हैं तथा पूरे दमखम के साथ मैत्रिक संबंध स्थापित कर खेल का प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रतियोगिता समापन के पश्चात विजेता टीम व रनर अप टीम को शील्ड से नवाजा जाएगा। टीम कैप्टन, रेफरी, लाइनर तथा स्कोरर को पुरस्कृत किया जाएगा तथा सभी टीमों से अव्वल खिलाड़ी को सेक्टर टीम के लिए चयनित किया जाएगा। वहीं कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री बी एस जून कमांडेंट समूह केंद्र मुजफ्फरपुर के साथ शुभारंभ के दौरान जेके झा डिप्टी कमांडेंट, सहायक कमांडेंट श्री अमृत कुमार सिंह एवं सहायक कमांडेंट श्री ध्रुव कुमार चौधरी सहित सभी 6 टीमों के प्रतिभागी एवं अन्य साथी सैनिकगण उपस्थित थे। मुजफ्फरपुर से लाइव 24 न्यूज़ संवाददाता कृष्णा कुमार की रिपोर्ट। नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्णा कुमार, L24 न्यूज़ से। क्या नाम? मैं विजेंद्र सिंह जून हूँ, कमांडेंट ग्रुप सेंटर मुजफ्फरपुर। और आज यहाँ बिहार सेक्टर की जो ऑप्स यूनिट्स हैं उनका इंटर यूनिट वॉलीबॉल प्रतियोगिता का शुभारम्भ होने जा रहा है और प्लेयरों में काफ़ी जोश है। और अभी ये कोरोना में काफ़ी लोग कई 1-1.5 साल से बंद थे, अभी टूर्नामेंट शुरू हुए हैं, लोगों का थोड़ा सा मनोरंजन भी होगा और उनकी सेहत भी ठीक रहेगी और सभी लोग एंजॉय करेंगे। जय हिंद।